मैं इस वक्त त्रिलोकपुरी के गली में हूँ जहाँ पर बच्ची का घर है, और इसी गली में आगे दो घर छोड़ के पीड़ित जो पीड़ित का मकान ये रहा और आरोपी का मकान भी इसी गली में है। मेरे साथ उसी गली की कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, मैं इनसे जानूंगी कि उनको मामले की जानकारी कब हुई। आप मुझे बताइए, आपको मामले की जानकारी कब हुई? मेरे को, मेरी बहन की लड़की है ये यहाँ रहती है। वो लड़की, जब उसका गलत काम हुआ, वो लड़की आके इसके जीने में बैठी थी, तो इसने उससे पूछा, बेटा तेरे साथ क्या हुआ, ये सब कैसा हो रहा है ये? तो उसने इसको बताया, इसने जाके उसकी दादी को बताया कि भाई देखो तुम्हारे इन्होंने ऐसे ऐसे करा है, ठीक है। वो उल्टा उसकी लड़के की जो माँ है ना, उल्टा इसको गाली मारी, पड़ोसी रिश्तेदार थे, वो उल्टा आके इसको बोल रही है। उसकी मम्मी बेहोश होके गिर रही थी, तो क्या नाम है, साइड में बोल रही थी, जब वो बिल्डिंगों में ऐसे घूमती रहती थी तब नहीं दिखा तुम्हें? तो मैंने बोला जब बिल्डिंग में घूमती थी तुम्हारे आगे, उसने बोला होगा मेरे साथ गलत काम कर लो, तो मुझे कह रही है, मैंने उसको खाना खिलाया, तो मैंने कहा खाना खिलाया चल तू निकल यहाँ से, तू है कौन बोलने वाली? वो पीड़ित की कौन, वो जो आरोपी की कौन थी? पड़ोसन कह रही, मुझे कह रही चल तू निकल यहाँ से, तू है कौन? तो पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने मुझे बोला अच्छा अच्छा तुम जाओ। मैंने कहा इसको देखो ये बोल कैसी रही है। तो कह रही पुलिस वाला कह रहा है तुम टेंशन मत लो, सजा तो होगी, आएगा तो सही हाथ में वो। तब मैंने अपनी मौसी को, मेरी मौसी लगती है, मैंने फोन करके ऐसे बताया कि वो लेडीज मुझसे ऐसे बात कर रही थी। बच्ची की, जब आपने बच्ची को पहली बार देखा तो किस तरह की उसकी बच्ची की हालत? वैसे तो मेरे घर पे यहाँ पे जीने पे बैठ के खेलती रहती थी, ठीक है। वो ना शैतानी कर रही थी, जब दोपहर में मैंने उसको डांट के बोल के घर जा तू अपने। उसके बाद जब मैं, हम सब सो रहे थे, हम सब बाहर आए ना, तो उसके कपड़ों पे सारा ब्लड लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि कौन था मुझे बता, तो उसने बोला कि थोड़ा हेल्थी सा था, लंबा सा था और चश्मा लगा रखा था उसने। मैंने उसको, मैंने शक एक दो लोगों पर उससे फोटो दिखाई कि नहीं दी थी, ये नहीं था। फिर जब फोटो निकला कौन, जब उसको फोटो दिखाई, जब वो जो उनका मामा आमा रहता है उसको फोन करके बोला कि मैं जा रहा हूँ, फिर सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो आई, तब वो पकड़ा गया। और वो पकड़ा गया, उसके साथ दो लोग और थे, जो वो पुलिस वाले कह रहे नहीं वो एक ही था, वो दो नहीं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस वाले पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि आरोपी एक है, ये बात सच है? हाँ ये सच है बात। तीन जने थे और इंजाम एक पे लगा रहे हैं, अभी दो और पकड़ने हैं, अभी कोई ना, अभी एक ही पकड़ा गया है बस। दो का तो नाम ही नहीं बता रहे, दबाव बना नहीं सकते, इनकी इतनी औकात नहीं है कि दबाव बना सके, क्योंकि पूरी त्रिलोकपुरी इस पीड़ित परिवार के साथ है, दबाव कैसे बना लेंगे? पुलिस थोड़ी है, हम सब उसके साथ है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि पुलिस वाले भी पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? मैं वही कह रही हूँ, बना रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसी बात की बात कर रही हूँ कि दबाव वो बना नहीं सकते। अगर वो अकेला परिवार होता तो शायद दबाव बना लेता, पूरी त्रिलोकपुरी उनके साथ खड़ी है, दबाव ना बनाएगा ना बनाने देंगे हम। आप मुझे बताइए कि बताया जा रहा है कि आरोपी ने इस तरह की पहले भी एक घटना की थी जिसको दबा दिया गया, 7-8 साल पहले करी थी, वो भी 12 साल की लड़की के साथ करी थी, वो उन्होंने दबा ली थी ये बात। क्या अब इस तरह की घटना दोबारा हुई है, क्या आपको लगता है कि ये भी दबा दी जाएगी? ये कैसे दबा दी जाएगी, ईंट से ईंट बजा देंगे कोर्ट में तक जाके, कोर्ट में तक जाके ईंट से ईंट बजा देंगे, थाने के अंदर भी ना हम चैन से रहेंगे ना इन्हें चैन से रहने देंगे हम। नेता आते हैं, नेता अपना काम करके चले जाते हैं, पहले भी तो कितने केस दब रहे हैं, इस जरासी बच्चे के साथ नेता करेंगे क्या? उसको तो स्कैम फांसी देनी चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ में कर दो, हम चाहते फांसी दो, फांसी फांसी होना चाहिए उसको, बुरा हाल होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ ना उसका, तो उसने दोबारा गलती करी है ये, इसलिए अब उसको फांसी देनी चाहिए। ऐसे नहीं चौराहे पे रख के लेडीजों को दे दो बस, आधे घंटे के लिए, बाकी हम देखेंगे, आधे घंटे से 5 मिनट ऊपर नहीं होने देंगे, लेडीजें संभालेंगे आधे घंटे के लिए, क्योंकि हमारे भी आगे लड़कियां हैं। आपको लगता है इस तरह की घटना, पहले दिल्ली कैंट की घटना, 9 साल की उस बच्ची के साथ शमशान घाट के पुजारी ने जो बच्ची को जलाया गया है, अब ये घटना, आपको लगता है अब आपकी बेटियां सेफ है? हमारी बेटी सेफ का है ये बताओ, जब 5-5 साल की लड़कियां उठा रहे हैं, बेटी सेफ का है? कहीं भी सेफ नहीं है लड़कियां, तो भाई हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप देखेंगे उन्हें, खत्म। हम नेता वेता को किसी को नहीं मानते, लड़की की मां भी चढ़ गई ना, लड़की की मां पिटेगी हमसे, ये हमारा चैलेंज है, लड़की की मां भी पिटेगी, अगर लड़की की मां दब गई किसी चीज से हम नहीं छोड़ेंगे भाई। आरोप कहा जाता है लड़कियों के लिए, कहा जाता है कि वो इस तरह के कपड़े पहनती है तो उनके साथ ये गलत काम होता है, मेकअप करती है तो वो गलत होता है, आप इस
बच्चे कपड़ा पहनने में गलत नहीं है, इनकी नजर गलत है। जिस नजर से अपनी माँ को देख रहे हो, बहन को देख रहे हो, उसी नजर से अपनी लड़की देखो। वो 5 साल की है, 5 साल की लड़की क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही है, देखने का नजर हुआ है ना, ये किस तरीके की बात है। मतलब लड़कियाँ कपड़े ऐसे पहने की तो कोई भी आके तो नोच लो, पहले ही गौर किया जाता तो आज ये दोबारा नहीं होता। अगर पहले भी बोले सकते हैं तुम्हारी करते तो ये आज दोबारा नहीं होता। 6 साल की लड़की को सूट बना के तो रख नहीं सकते ना, 6 साल की लड़की और इतनी फ्रॉक पहनी है उसने, अब तो उसको पिलाएंगे। तुम अपने माँ माँ बेटियों को कैसी नजर से देखते हो, उसी नजर से दूसरों की लड़की को भी देखो, गंदी नजर से फिर कहाँ से नजर गंदी हो जाएगी। आप बताओ बहन कैसे छोड़ दी उसने, ये बताओ। जब इस 5 साल की बेटी को पकड़ा, माँ बहन कैसे छोड़ी उसने, तो रहने लायक नहीं है ना। थाने में भी गए, आधा घंटा देगा बस हमारे पास। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आप किस तरह का न्याय चाहती हैं? आप फांसी हो जाए, अगर फांसी नहीं होती उसकी रूह कहाँ पे की, आप किस तरह की पूछूंगी कि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको लगता है बेटी बचा पाएंगे पढ़ा पाएंगे? कोई नारा नहीं है, ये बेटी पॉलिटिक्स है, ये वो इस तरीके का बोलेंगे। बेटी तो उनको पता नहीं, बेटी तो पढ़ी नहीं हुई, अगर बेटी बच रही है कौन पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, सब बंद पढ़े ना, बेटी पढ़ रही ना बेटी बच रही, सब अनपढ़ निकलेंगे, बेटी को कहाँ से बचाएंगे? हम भी बेटी है किसी की, हमारे साथ ऐसे सामने घटना हो रही है, हम कैसे चुप हो जाएंगे इस बात में? बच्चों को अधिकार नहीं है, अगर उसे क्या पकड़ा देते ना, जनता मारती उसको पता नहीं चलता। कहाँ जा बच्चे की बुआ से मेरी बातचीत थी, उन्होंने जिस तरह से बयान किया है वो रोंगटे खड़े कर देना। आपको जानकारी है कि बच्चे के साथ किस तरह से दरिंदगी की गई है? हाँ सब पता है, बुआ से बात करी हमने थाने से आके, सारी बातें करी, हमारे साथ पुलिस बुला रही थी हमें मार मार के, लेडीज पुलिस, हम बात पूछ रहे थे तो हमने गुहारी करी, बंद कर देंगे तुम्हारे को, अगर आज तुम्हारे को दिखाना है तो गुंडों पे दिखाओ ना, हमें लड़वा ना, हमें मार नहीं चाहते थे पुलिस वाले, वर्दी का दम, अगर दिखाना है तो ऐसे गुंडों पे दिखाओ वो, ताकि वो दोबारा ये काम ना कर सके हम पे क्यों दिखाओ। अरे इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई भी आके पूछेगा खड़ा भी होगा साथ में, तुम ही डंडा लेके बचाओगे तो क्या हाल होगा, वही की वही बातें रह जाती है, कांड पे कांड होए जा रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि बेटियां इस देश में पैदा करना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं है, अब तो बहुत गलत हो चुका है, पैदा करना गलत हो चुका है, अगर ऐसे लोग हैं ना तो गलत हो चुका है। अरे फिर नाल में हो गया, लड़की हुई है 3 महीने की, कैसे चलेगा, बेटियां होगी तभी तो वंश चलेगा, मार ले बाप को पे उसने मारा। बाहर मैं बाहर बात कर रही थी तो मोदी से बोलो, मैं बाहर मोदी से बोलो कि अब ना एक काम और कर ले, अगर इतने सारे काम करे ना, कि ऐसा काम करे कि आदमियों की नसबंदी खुलवा दे और बेटियां भी खुद ही पैदा कर ले, क्योंकि ना बेटी होंगी और ना ही बच्चे पैदा होंगे। अभी मेरी बाहर एक अंकल से बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कि 6 साल की बच्ची ने गलत कपड़े पहने होंगे तभी उसके साथ ये है। अच्छे लोगों में बड़े लोगों में कपड़े नहीं पहने जाते, कपड़े पहने जाते हैं ना, सब लोगों में कपड़े पहनते हैं, कपड़े फाड़ते हैं उनके, अगर 6 साल की बच्ची को क्या पता, आप भी सोचे ना इस बात पे। मुझे बताइए कि आप बेटियां सुरक्षित है इस देश में? कोई सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेटी तो बिल्कुल भी नहीं है सुरक्षित, बेटी को बच्चे और उसकी माँ को कुछ पता नहीं है, ये तो जानकारी है कि उनकी कोई जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है, पुलिस दबाव बना रही है, दबाव तो कल से बन रहा है, 5 बजे तक तो लड़की वैसे लेके घूमे पुलिस वाले, पूछो मत, 6:30 बजे तक तब जाके लेके गए, 1:30 बजे का केस है, उसको कहाँ है बच्ची कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। कहा गया है कि परिवार पर लाठियां भी मारी गई है, ये बात की जानकारी है? थाने पे बहुत ड्रामा करा है, मगर यहाँ से सुबह बच्चे निकला है, अभी तक उसकी माँ बच्चे का कोई परिवार से मिलने नहीं दे रहा, किसी से कोई नहीं मिलने दे रहा, नहीं मिलने दे रहे किसी से भी नहीं, ना उनके घर वालों को पता वो है कहाँ, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, ना अंदर जाने दे रहे ना बाहर जाने दे रहे, प्लस जो दूसरा बंदा था वो फोन करके भी नहीं बता रहे, जब लड़की बता रही है हमारे बाहर बैठ के जो 2 जने थे तो थे, एक जने को बंद कर रखा बस, पुलिस वाले कह रहे हैं कि एक ही था, पुलिस वालों ने परिवार से पुलिस वालों ने कहा है
कि आप क्यों बच्ची का नाम उछाल रहे हैं, कल को आपको शादी भी करनी है, किस तरह का ये सुना? हमने भी सुना है, बुआ जी से पूछे कि पुलिस वाले हमको ऐसे बोल रहे हैं, उसको लड़की खुद बोल रही है हमारे साथ बैठी थी, बच्चा हमारे साथ ही रहता था, दो जने थे, वो एक जना काम गया, उसका कुछ खबर ही नहीं। ऐसे उड़ाएगी तो गलत होगा, ऐसे ऐसे दबा रहे उसकी बुआ का, इतना गंद बोल के गए, बहुत गंद बोल के गए। अम्मा आपको लगता है बेटी आप कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? आप मुझे सुरक्षित रह पाएंगी? जहाँ ऐसे देश है, ऐसे लोग हैं, कैसे रह पाएंगी? अभी 9 साल की उस बच्ची की चिता कल ही उसको पूरे विधि विधान से विदा किया गया है और आज ये घटना। अब लगता है बेटियां पैदा करना इस देश में सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मेरी करने वाला ना उसको 20 चौराहे पे ले जाके उसका इतना बुरा हाल करना चाहिए, जब देखने वाले की रूह कब कब आ जाए। हमने हमारी बच्ची को निकलने नहीं दिया। अरे मैंने तो अपने पियर में भेजा हुआ है, हमने निकलने नहीं दिया उसको बाहर में, कितना डर बैठ गया। और के दहशत है एक तरह की, क्या करे? अगर हम पुलिस पे डिपेंड है तो पुलिस का क्या काम कर रही है? उसको अरेस्ट लेके बैठी है, अरेस्ट करके 8 साल बाद हुई है। वो इनके क्या लगते थे निर्दोषी? ये जो दोषी थे उनके क्या लगते थे, क्यों सेवा पानी करा उनका इतने दिन तक? निर्भया की कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, निर्भया केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट मिलाने के बाद भी 8 साल लगा उसको इंसाफ मिलने में। अब आपको लगता है इंसाफ जल्दी मिलेगा? फांसी नहीं चाहिए, फांसी नहीं चाहिए, हमें चौक चौराहे पे ना बंदूक से उड़ाना है, और या हमें लेडीजों को दे दो, बस हमारा कहना यही है, बस फांसी नहीं। फांसी में तो गए 8 साल 9 साल, फांसी नहीं। उसकी बेटियों को अभी दे दो, उसकी बेटियों की इज्जत के साथ उन्हें अंदाजा पता लगेगा। नहीं नहीं, फांसी हमारी नहीं, बातें कर लेती फांसी की बात में, तो बातें ही कर लेती है। 1 साल 2 साल 3 साल गुजरता रहता, माँ की चप्पल खत्म हो जाती है, बाप के चप्पल। इंसाफ के लिए गुहार लगा लगा के दरवाजा खत्म हो जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। वो बस सिर्फ यही चाहिए कि हवाले कर दे, जो होगा लेडीज समझ लेगी, बस हम यही चाहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से जो पीड़ित है वो भी इसी गली में रहती है, जो आरोपी है वो भी इसी गली में रहता है। गली की जो महिलाएं हैं उनका गुस्सा जाहिर है, उनको फांसी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि जो आरोपी है इनके हाथों में दे दिया जाए, वो खुद इस बात का न्याय ले लेंगी। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं दामू नायक।